हाय गाइस, मैं हूं संजय और हमारे साथ जो है ना रिंटू दा अभी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आया जैसे कि डिटेल लाइन और मॉडल लाइन, ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस क्या है और इसका प्रैक्टिकल व्यू कहाँ है। मैं सॉफ्टवेयर खोल लेता हूं, अभी ये देखते हैं और यहां पे न्यू करता हूं और यहां पे मुझे कोई टेम्पलेट लेना होगा क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट में काम करना होगा, ठीक है, तो कोई भी आपको टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ब्राउजर में काफ़ी टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है ना, वो ऑटोडेस्क ने बनाया है और इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है, इसको भी नया से बना के अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई फिर वो प्रोजेक्ट टेम्पलेट को असाइन करके अपना प्रोजेक्ट शूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक हो गया। अभी जो है यहाँ पे जो मान लो इन लोगों को मैं अभी इलेक्ट्रिकल में गाइड करूँगा, तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल जो डिफॉल्ट वाला मेट्रिक टेम्पलेट अवेलेबल है वो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको करूँगा क्या है ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं फिर उसको ओके कर दूंगा और ओके करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा नया एक रिविट जो प्रोजेक्ट वाला फाइल। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाला लाइटिंग है जो भी है यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको कोशिश करूँगा कैसे मतलब डिटेल लाइन उसका एप्लीकेशन जो व्यू है वो बनाने का, ठीक है। अब उससे पहले मैं जो डिटेल लाइन क्या है और मॉडल लाइन क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दूँ डिफिनेशन, ठीक है ना। तो डिटेल लाइन जो है ना वो आपको बस 2D में देखेगा, जैसे उसका पर्पस क्या है। जैसे हम सॉफ्ट ड्राइंग बनाते हैं, जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें कभी कभी हमारा जो लाइन का प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि वहाँ पर मान लो मतलब कोई भी एक लाइन, मान लो कोई मिसिंग लाइन है, कोई रेफरेंस लाइन है, कोई आपको लेजेंड एब्रीविएशन बनाना होगा, ड्राफ्टिंग व्यू बनाना पड़ेगा, जहाँ पे क्या है ना आपको सिम्बलिक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। सिम्बलिक प्रेजेंटेशन मीन्स मान लो एक AU का बॉक्स है, वो हम लाइन से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी बहुत सारा लेजेंड है, डाक का आप कुछ एक सिंबल दिखाना चाहते हैं, आपका यहाँ पे एक लाइन डबल लाइन है और वहाँ पे जो ब्रेक सिंबल है वो भी दिखा सकते हो, वो लाइन से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो बहुत सारा चीज़ जैसे मतलब डिटेल लाइन एक कैड की तरह है, 2D लाइन है, कैड भी हालांकि हम 3D बना सकते हैं, लेकिन जो कोशिश कर जो डिटेल लाइन है वो 2D है, मतलब XY है, उसका कोई Z वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम उसको 3D में देख नहीं सकते। और ये हो गया डिटेल लाइन। और मॉडल लाइन के अभी आऊँगा, तो मॉडल लाइन क्या है वो एक आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर का जो एलिमेंट के हिसाब से उसको कंसीडर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमने मॉडल लाइन ड्रॉ कर दिया है वो 3D में भी दिखेगा, मतलब 3D में नहीं, जो भी ड्राइंग होगा प्लान में, मतलब कोई भी प्लान में ड्रॉ किया है तो वो 3D में भी दिखेगा। जो रिलेटेड व्यू है ना, जहाँ पे व्यू रेंज में आ रहा होगा वो व्यू रेंज के ऊपर भी डिपेंडेबल है, ऐसा नहीं है जो उसका एलिवेशन भी होता है। मान लो ये मॉडल लाइन आपका इस फ्लोर में पूरा एकदम टेस्टेड बैठा हुआ है, मान लो 0 लेवल में, अगर मान लो उसको ऊपर उठाना चाहते हो दो मीटर का एलिवेशन में, तो वो भी वो कर लेता है, ठीक है ना। तो मॉडल लाइन जो है ना वो फिर जब भी उठा होगा ना 3D में भी आपने उठ जाएगा, मतलब जो है वो मॉडल की कैटेगरी में आता है तो वो मॉडल लाइन है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अभी मैं इसको एक थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू बताऊंगा और फिर उसका डिफरेंस भी बताऊंगा और उसका जो पर्पज़ है वो भी बताऊंगा। चलो यहाँ पे मैंने मान लो एक डिटेल लाइन बनाना है। डिटेल लाइन आपको पता ही है जो DL करके आप डिटेल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो DL उसका शॉर्टकट है और इसमें मॉडिफाई में जैसे मैं दबाया तो मॉडिफाई के अंदर जो बार है ना एक खुल गया है। अब आपका जो सिंबल वाला जो भी आप शेप चाहते हो उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लो एक बॉक्स बना दूंगा, ठीक है, मान लो एक AU है, ठीक है, तो AU में दो मान लो दो कनेक्टर होता है, तीन कनेक्टर होता है, एक सप्लाई रिटर्न और फ्रेश एयर, ठीक है ना, और एडाप्टिंग वाला और जो पाइपिंग वाला जो है ना दो चील ऑर्डर का पोर्ट रहेगा और एक जो है ना कंडेंसिंग जो पाइप है ना कंडेंसर CDP पाइप है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसके लिए भी एक कनेक्टर बाहर से निकल जाएगा, ठीक है। तीन पाइप का पोर्ट निकलेगा और तीन डाट का जो है ना कनेक्टर निकलेगा, जैसे सप्लाई रिटर्न और फ्रेश एयर, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग व्यू बना के, हालांकि 3D नहीं बना रहा अभी, लेकिन वो 3D हम बाद में बना सकते हैं, फैमिली जब बनाएंगे तो उसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है, एक पोर्ट है, ठीक है ना, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ भी है, एक्सेस पैनल है, डोर खुलेगा, उसमें सिंपल दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो सैंपल के हिसाब से एक मैं बता सकता हूँ, जैसे कि मान लो एक पोर्ट है, ठीक है, मान लो डिटेल लाइन में एक मैं लाइन बनाऊंगा, मान लो यहाँ से इसका जो नेक है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड में होता है, क्योंकि इसका साइज है कितना बड़ा है, ये 22 फुट मतलब 22 मीटर का है, इसीलिए 50 उसके लिए बहुत निगलिजिबल है, तो छोटा बन के यहाँ पे बन गया होगा, लेकिन वो मैं चाहता हूँ इसको AU का जो मान लो इसका साइज है कितना 2 मीटर 5 मीटर लूँगा,
कहाँ पे चला गया? ओ TL क्या हो गया? अभी डिलीट कर दो इसको, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो यहाँ पे आप रेक्टेंगल बनाओ, इसमें ही आपको बना दो, तो उतना काम करने की जरूरत नहीं होगा। मान लो यहाँ पे 2 मीटर कर दूंगा, तो 2 मीटर मतलब 2000, और यहाँ पे इसका 800 की जगह मान लो 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर में इतना। तो इतना आपका अगर DI मार के यहाँ पे डायमेंशन चाहते हो तो उसको भी इसको दिखा सकते हो, 2 मीटर का है ये, ठीक है ना। और इसका जो लेंथ है ये कितना है, इसको मान लो ये 1500 है, ठीक है ना। लेकिन ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो स्केल में छोटा करना है, मान लो डायमेंशन बड़ा आ रहा है, जैसे इसकी छोटा करोगे ना, उसको जो डायमेंशन है छोटा हो जाएगा और दिखने में आसान होगा, काम करने में आसान होगा, ठीक है। मान लो 50 कर लूंगा, तो जैसे 50 कर दूंगा इसको, देखो डायमेंशन थोड़ा छोटा हो गया, तो और भी छोटा करना है तो ये 10 कर दो, तो देखोगे 10 का कितना छोटा हो रहा है, ठीक है, डायमेंशन छोटा होगा। लेकिन लाइन वैसे वैसे रहता है, वो स्केल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एनोटेशन जो है ना वो स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है, ये समझ है ना। तो मान लो मुझे कंफर्ट फील है 25 में भी, अगर मान लो 25 देखो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको अगर कस्टम करना चाहते हो तो 1:25 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, 25 स्केल में जो है ना आपका मॉडल और जो ड्रॉइंग दिखने में ऐसा होगा। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये डिटेल लाइन है, ये जो लाइन है डिटेल लाइन से बना है, DL से बना है, ठीक है। लेकिन ये जब मैं 3D में देखूंगा, जैसे 3D में क्लिक करूंगा, देखो ये 3D में कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमारा बिंदु हटा के देखता हूँ, कोई भी यहाँ पे 3D में कोई लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं कहाँ पे था, लेवल 1 में था, चलो यहाँ पर, तो ये वाला व्यू में मैंने ड्राफ्टिंग व्यू बनाया, तो ड्राफ्टिंग व्यू और भी जो है ना, ड्राफ्टिंग व्यू कोई भी व्यू में वो देखो और भी एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मान लो लाइटिंग है, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है ना। डुप्लीकेट करने का काफ़ी ऑप्शन है, अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बोले तो मान लो ये ड्राफ्टिंग व्यू कहाँ का कॉपी हो सकता है वो देखते हैं। अगर मान लो कॉपी करने के टाइम भी देखो ड्राफ्टिंग व्यू कहाँ, जो डिटेल लाइन हमने बनाया ना वो कहाँ का कॉपी होता है, कहाँ पे नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वो डिटेलिंग है, और डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट है। मैं 3 ऑप्शन बताऊंगा, एक तो है डुप्लीकेट वाला, अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा ना तो इसमें जो मॉडल रिलेटेड चीज़ है ना वो आएगा, बाकी जो लाइन उसमें टैगिंग वैगिंग जो भी है वो नहीं आएगा। तो डुप्लीकेट का देखता हूँ, देखो जैसे डुप्लीकेट करूंगा ना, हमारे पास लाइन कॉपी नहीं होगा, एक खाली व्यू कॉपी होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ डायल लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक हो, यहाँ पे सब जो है वो देख रहा है, सिर्फ हमारा जो एलिवेशन वाला जो सिंबल है वो देख रहा है, कोई लाइन शो नहीं कर रहा। अगर मैं लाइन को कॉपी करूंगा तब जाके एक कॉपी होगा, जैसे मान लो कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूँ, और यहाँ पे इसको कंट्रोल जी यहाँ पे मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई के अंदर जो पेस्ट है ना, यहाँ पे करंट व्यू कर लो, नहीं तो सिलेक्ट व्यू भी कर सकते हो। मतलब आपके पास कितना व्यू खुला हुआ है, जहाँ पे एग्जैक्टली मतलब इस व्यू में कॉपी करना चाहते हो, मान लो 10-15 एक साथ 10-15 व्यू में कॉपी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब कॉपी कर तो मान लो करंट व्यू करता हूँ, जैसे करंट व्यू कर दूंगा, एक कॉपी यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लिया। लेकिन आपको क्या पता चला, जो मैं व्यू को डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट व्यू में वो डिटेल लाइन कॉपी नहीं हो रहा है, उसका डायमेंशन भी कॉपी नहीं हो रहा है, और उसका जो लाइन में हमने बनाया है प्रेजेंटेशन वो भी नहीं कॉपी हो रहा है, समझ रहे ना। अगर मान लो अभी ये हो गया डुप्लीकेट वाला पेपर, ठीक है, मैं इसको रीनेम भी कर दूं, आपको पता चले, मान लो डुप्लीकेट, सिर्फ डुप्लीकेट कर दूं, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट करके बनाया ना डुप्लीकेट, क्योंकि काफी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अगर मान लो व्यू को कॉपी करूंगा, कौन सा चीज कॉपी होगा, अगर मैं एक व्यू को डुप्लीकेट करूंगा तो कौन सा चीज कॉपी होगा, कौन सा चीज नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप उसको बेसिक नहीं समझते, ठीक है ना। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला एक मैंने बना दिया, क्योंकि मैं डुप्लीकेट अगर बनाया, ठीक है। अब मैं वही वाला जो व्यू है ना, इसको मैं 3 ऑप्शन था ना, अब डुप्लीकेट वही डिटेलिंग करूंगा, ठीक है ना। जैसे डिटेलिंग करूंगा, डिटेलिंग का मीन्स वो एनोटेशन, एनोटेशन वाला जो जो एलिमेंट है ना, जैसे लाइन है, डायमेंशंस है, टैगिंग है, जो मॉडल रिलेटेड मॉडल भी होगा, उसके साथ मॉडल के साथ जो टैगिंग बगा होगा, टेक्स्ट भी होगा, टेक्स्ट तो किसी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन टेक्स्ट भी एनोटेशन का पार्ट है, वो सारे चीज ना वो कॉपी हो जाएगा, समझ आया ना, कॉपी हो जाएगा। अभी मैं इसको डिटेलिंग करूँ, फिर करता हूँ। अब देखो हमें डिटेलिंग में देखो सारे ए भी आया, ए भी आया, सारे जो जो चीज़ वहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो हर जो यहाँ लेवल जो लाइट 1 लाइटिंग वाला जो व्यू है ना, उसको मैंने एक डुप्लीकेट बनाया, एक लाइटिंग के लिए कर दिया है, और दूसरा जो डुप्लीकेट बनाया है ये जो कॉपी 1 लाइटिंग वाला जो दिख रहा है, लेकिन सारे जो कॉपी कर रहा हूँ 1 लाइटिंग वाला व्यू को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मीन्स इस जो 1 लाइटिंग वाला जो एसोसिएटेड लेवल है ना वो सेम ही है, यहाँ पे एसोसिएटेड लेवल लेवल 1 है,
ठीक है ना, क्योंकि एसोसिएटेड जो लेवल है ना वो हमें यहाँ से पता चलता है। जैसे यहाँ पे मान लो लेवल 1 है, लेवल 2 है, ठीक है ना, ए लेवल का जो नेमिंग है वही वहाँ पर देखेगा। अगर मान लो इसमें कुछ चेंज कर दूंगा ना तो वहाँ पे एसोसिएटेड जो लेवल है का नाम है ना वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखो लिटिकेट टेम्पलेट बना के जो टेम्पलेट लेके हमने खुला था फाइल बोल के, यहाँ पे जो व्यू डिफॉल्ट वाला था ना वो हमें उसके ऊपर यूज कर रहे हैं उसको। ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे जो लेवल ऑलरेडी बना हुआ है उसका कोई हमें काम नहीं, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा कुछ नया लेवल है वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसने फिर अगर एटलीस्ट आपको एक तो लेवल चाहिए फाइल में, कोई रेविट फाइल में, लेवल के बिना आपका कोई रेविट फाइल बनेगा नहीं, तो एक लेवल आपको रखना पड़ेगा, फिर एक को रख के उसको कॉपी करके नहीं तो नया लेवल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, चलो ये जो लेवल 1 है एसोसिएटेड लेवल है वो यहाँ पर देख रहा है। अभी जो जो मैं चीज़ डुप्लीकेट कर रहा हूँ वहाँ पे भी एसोसिएटेड लेवल लेवल 1 होगा, ठीक है ना। लेवल 1 मीन्स ये जो फ्लोर में व्यू देख रहा हूँ, मतलब ये फ्लोर पे खड़ा हूँ वो भी लेवल 1 ही है, ठीक है। चाहे वो उसमें चाहे वो व्यू में मैं लाइटिंग का प्रेजेंटेशन करूँ, कोई केमिकल का सॉफ्टवेयर बनाऊँ, चाहे वो कुछ भी करूँ, डाक्टिंग का सॉफ्टवेयर दिखाऊँ, तो वो लेवल 1 के हिसाब से वो उसका एलिवेशन लेगा, उसका व्यू रेंज भी लेगा, सब कुछ। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक कैलकुलेशन जो होगा लेवल 1 के हिसाब से ही होगा। एसोसिएटेड लेवल मीन्स वो वहाँ उसके रिफरेंस से वो सारे एलिवेशन कैच कर रहा है। तो इसको मैं कैसे बनाया रीनेम में, रीनेम में डुप्लीकेट विद रीनेम, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग भूल जाएगा ना। तो डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग, ओके इसका नाम दे दूँ तो पता चलेगा मैं कौन सा व्यू किससे बनाया और उसका इम्पैक्ट क्या है, समझ आया ना। तो दो मैंने डुप्लीकेट किया है और तीसरा डुप्लीकेट बचा हुआ, ठीक है। फिर जो लाइट 1 का जो व्यू है ना इसको खोल के भी कर सकते हो, नहीं तो खोलने का जरूरत नहीं, ऐसा जस्ट लाइट रेन का जो व्यू दिख रहा है ना मैंने सिलेक्ट किया, जस्ट इसको डबल करूंगा तो खुल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक अगर नहीं भी करूंगा फिर भी इसको राइट क्लिक करोगे तो उसी को ही डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया है, अभी तुम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हो ना, तो मैं उसको एक एक करके जो होता है एक्चुअली सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ना डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मीन्स पता चल रहा है ना वो किसी के ऊपर निर्भर है, मैं मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है इस व्यू के ऊपर। मान लो इस लाइटिंग के व्यू में अगर कोई चेंज होगा उसको मैं कॉपी करके बना रहा हूँ ना डिपेंडेंट लगा कर, तो लाइटिंग में कोई चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, समझ जाए ना, तो मैं डिपेंडेंट करूँगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट क्लिक करता हूँ, जैसे ही कर दूंगा ये जो व्यू है ना अभी लाइटिंग का ग्रुप में आ गया, ये अलग से नहीं हुआ, देखो ग्रुप में आ गया क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये व्यू अलग है, ये भी व्यू अलग है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब एक ड्राइंग में कुछ चेंज होगा तो दूसरे ड्राइंग में भी अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ट्राई करके देख लेता हूँ, मान लो ये 1500 है, ठीक है, इसको मैं 1200 कर दूंगा, ठीक है, तो ये लाइटिंग का ड्राइंग में भी चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1200 हो गया। लेकिन मैंने जहाँ पे जैसे डुप्लीकेट करके बनाया और डुप्लीकेट कोई डिटेलिंग किया है वहाँ पे लेकिन कोई इम्पेक्ट नहीं आया, दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो डुप्लीकेट लाइटिंग में यहाँ पे तो 1500 ही है, जो डुप्लीकेट डिटेलिंग है वहाँ पे भी 1500 ही देखेगा, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पता साफ साफ चल रहा है जो डिटेलिंग वाला जो लाइन है वो मैं जिस व्यू में बनाया और उस व्यू को मैं अगर मैं कॉपी करता हूँ तो वहाँ पे कॉपी तीन ऑप्शन से मैंने किया है। एक डुप्लीकेट करोगे तो वहाँ पे सिर्फ मॉडल देखेगा, जो मॉडल जो व्यू में देखना चाहते हैं 3D एलिमेंट जो है ना वो देखेगा, लेकिन उसके रिलेटेड जो लाइन्स वगैरह कुछ भी हो वो कॉपी नहीं होगा डिटेलिंग में। अगर डिटेलिंग विद अगर डुप्लीकेट डिटेलिंग करोगे तो वो मॉडल भी देखेगा उस व्यू में और उस फ्लोर में जो जो है और डिटेल लाइन जो डिटेल लाइन अंडरस्टैंड जो भी चीज़ है ना डायमेंशन है जो भी है वो भी दिखेगा। अगर डिपेंडेंट कर दूंगा तो वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ ना डिपेंडेंट कर दिया, मतलब लाइटिंग का व्यू को डिपेंडेंट करके बनाया तो डिपेंडेंट में जो चेंज होगा लाइटिंग में आएगा, अगर लाइटिंग में कुछ चेंज होगा तो डिपेंडेंट में आएगा रिवर्स, मतलब इसमें करूंगा उसमें नहीं आएगा, ऐसे नहीं रिवर्स, मतलब इसमें करूंगा तो उसमें होगा, इसमें करूंगा तो उसमें होगा, एक दूसरे का भाई बहन है जो भी है, ठीक है ना, तो एक लिंक है। अभी मैं करूंगा मॉडल लाइन, समझ रहे हैं ना। अब मॉडल लाइन जैसे करूंगा, मान लो पहले जो हम शुरू किया था लाइटिंग का व्यू में किया था ना, तो इसी को पहले रखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स बनाया था, इसका 1200 है, 2 मीटर का है, तो ये हो गया मेरा बॉक्स, ये किससे बना है डिटेल लाइन से। अभी मैं यही वाला एक सिंबल बनाऊंगा जो मॉडल लाइन से होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल लाइन में अभी कहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर आर्किटेक्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की एलिमेंट है तो इसीलिए वो मॉडल लाइन, यहाँ पे जो मॉडल लाइन है यहाँ पे देखेगा मॉडल लाइन, समझ आया ना, ये मॉडल लाइन है, ये मॉडल लाइन यहाँ पे देखो, इसका जो शॉर्टकट है ए लाइन, यहाँ पे देख रहा है ए लाइन,
तो हम इसको एलआई शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लिक कैसे करूंगा, जैसे वो मॉडिफाई के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दे रहा है, आप कौन सा सिंबल लेना चाहते हो जो भी है। मैं एक हेक्सागोनल ले लूंगा, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल लेके मान लो इसके नीचे ही एक यहाँ पे नीचे बना दूँ, चाहे मान लो ऐसे बना, ठीक है ना, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब जैसे बना दिया देखो एक ग्रीन कलर का, लेकिन इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इसको पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि ये आकृति रेगुमेंट है। अब मैं इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट असाइन करके मैं पोज को खुला था ना, क्योंकि फिर इसके लिए डिफॉल्ट जो डिसिप्लिन डिसिप्लिन में जो है ना डिफॉल्ट इलेक्ट्रिकल असाइन हो गया, डिफॉल्ट यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल असाइन हो गया। अभी जैसे मैं इलेक्ट्रिकल को चेंज करके कोऑर्डिनेशन कर दूंगा तब वो देखेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर सारे चीज़ हाईलाइट होता है, सारी चीज़ को एडिट कर सकते हो। अगर मैं इसको आर्किटेक्चर करूंगा तो वो आर्किटेक्चर जिसको एलिमेंट जो है ना उसको एडिट करेगा, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उसको वो देखेगा मॉडल में, लेकिन उसको हाफ टोन मोड में कर देगा, ठीक है, थोड़ा लाइट कर देगा, उसको पकड़ में भी नहीं सकते हो। सिर्फ आर्किटेक्चर जो है ना एलिमेंट को उसको मूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। अब मैं अगर मान लो आर्किटेक्चर करूंगा, देखता हूँ आर्किटेक्चर जैसे करूंगा, देखो ये चीज एडिट में आ रहा है, मतलब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उसको पकड़ के स्केल भी शायद कर सकता हूँ। देखता हूँ इसको पकड़ लिया, इसको स्केल भी करना चाहते हो, मान लो इसको छोटा कर सकता हूँ यहाँ से पकड़ के, फिर यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे छोटा कर दो, इसको बड़ा करना है स्केल करके तो ए भी पकड़ के, तो इसको पकड़ के यहाँ पे बड़ा कर दो तो स्केल में भी आ जाएगा। इसको चाहे जितना मर्जी स्केल करो, छोटा करो, बड़ा करो, जो भी करना करो, ठीक है ना। अभी ये आर्किटेक्चर जैसे कर दिया तो डिसिप्लिन में आ रहा। अगर मैं चाहता हूँ कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता था तो वो सिलेक्शन में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे नहीं आता, केबिल ड्रॉ करूंगा तो वो सिलेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि अभी डिसिप्लिन में आर्किटेक्चर है। अगर मान लो इसको कोऑर्डिनेशन कर लूँ तो अभी सारे जो सर्विस है, मान लो मैकेनिकल आर्किटेक्चर, प्लम्बिंग आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर जो भी है वो एडिट में आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे आ जाएगा तो अभी मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। तो दोनों डिसिप्लिन में जैसे मान लो मॉडल लाइन जो है ना वो आर्किटेक्चर के अंदर भी है और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी है, कोऑर्डिनेशन के अंदर सभी है, ठीक है ना, लेकिन वो उसका बेस कौन सा है, आर्किटेक्चर एलिमेंट में है, ठीक है ना। लेकिन ये मॉडल 3D में देखेगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अब ये तो डी लाइन बनाया और ये मॉडल लाइन बनाया, अब मैं जाऊंगा 3D में, ठीक है। अब जैसे 3D में गया, अब चाहे रोल भी करता हूँ, देखो यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। हाँ, अभी मान लो यहाँ पे भी देखो डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है, मैं चाहता हूँ इसको कोऑर्डिनेशन कर लूँ, नहीं तो आगे चेक कर सकता हूँ, लेकिन कंफर्ट में फील करता हूँ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बार बार मुझे इतना हेडेक क्यों लेना है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कर दूंगा सारे सर्विस को मैं एडिट कर सकता हूँ, देखेगा सब कुछ, लेकिन वो अगर चेक करूंगा तो दूसरी चीज हाइट अपन मोड में आ जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा और वो रिवर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कोऑर्डिनेशन कर दूंगा तो उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, समझे ना। इसको पकड़ के आप उसको घुमा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो अपना मर्जी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे डिटेल लाइन तो नहीं दिख रहा है, चाहे तो यहाँ पे आप डायमेंशन भी दे सकते हो, समझ लेना 3D में। जैसे कि डायमेंशन अगर सेट करना है तो मान लो यहाँ पी के प्लेन तो नहीं होगा क्योंकि ये लाइन है जस्ट, तो यहाँ पे छोड़ दो इसको, जस्ट सेट करो और देखता हूँ। अगर प्लेन लाइन है नहीं होगा क्योंकि लाइन इसको लाइन पकड़ना चाहिए, और मान लो यहाँ पे लेवल 1, ओके। अभी यहाँ पे यहाँ से पकड़ता हूँ डायमेंशन DI, यहाँ से भी आप यहाँ से पकड़ के डायमेंशन दे सकते हो, हाँ तो यहाँ से पकड़ के डायमेंशन दे सकते हो, तो ये सारे चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, अपना मर्जी। लेकिन ये जो डायमेंशन है इसको आप जितना मर्जी घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये मॉडल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मॉडल लाइन डिलीट कर दूंगा तो डायमेंशन भी अपने आप डिलीट हो जाएगा कि उसके बेस में है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया है मॉडल लाइन और डिटेल लाइन का बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना। अभी इसका जो प्रैक्टिकल व्यू है ना बहुत सारा है, उसको मुझे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मॉडल लाइन है ना इसका अभी मैं एक मेजर सा एप्लीकेशन दिखाऊंगा, क्योंकि ये रिपीट में क्यों होता है, ठीक है। अभी देख लूंगा मॉडल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो मॉडल लाइन जो है ना इसका देखो लाइन टाइप जो है ना बहुत सारा है, यहाँ पर कोई भी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद ही ऑप्शन आएगा। जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखेगा ए लाइन है, ऐसे मतलब थिन लाइन कर दो तो उसका कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अभी सेंटर लाइन है तो इसका कलर अलग दिखेगा। अभी सेंटर लाइन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि स्केल की बटन है ना, हिडन कर दो तो डैश डैश दिखेगा। अगर टैब दबाओगे टैब में भी आ जाएगा, ठीक है। टैब में ऐसे पकड़ के यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर दो हिडन में तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कलर भी जो भी है आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से अगर अपना नाम में कोई लाइन स्टाइल बनाना चाहते हो उसके ऊपर उसको फेंक दो, ठीक है। ये सब इसके ऊपर नहीं है, ये डिटेल लाइन में भी होगा। जैसे मान लो हमने लाइटिंग के ऊपर कहाँ गया मेरा, सॉरी कहाँ गया, डुप्लीकेट यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग में जो लाइन था वो कहाँ चला गया, इसमें भी है उसमें भी है,
क्या लाइटिंग से मैंने काट किया था? हाँ अच्छा, मैं डी भी दबा कर देख लूँ। लाइन्स 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 के लिए कुछ तो हुआ है। चलो डुप्लीकेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हुआ है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वाला व्यू है वो कहाँ गया? ओके ओके ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट वाला है, क्योंकि ये जो लाइटिंग दे रहा है ना, ये दूसरा फ्लोर का है। मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये जो देखो, मैंने इसका देखो अलग से ग्रुप में चला गया, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसिप्लिन जाना है ना, कोऑर्डिनेशन मोड कर दिया था। जैसे कोऑर्डिनेशन में कर दिया ना, तो वो हट के अलग से ग्रुप में बन चला गया, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर चला गया। अगर इसमें तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर है, इलेक्ट्रिकल है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगर मान लो इसको भी पकड़ के, मान लो मैं इसको कोऑर्डिनेशन फेंक दूँ, तो ये भी उसके अंदर चला जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ है यहाँ पर? तो देखो यहाँ पे आ गया अपने आप। इसको भी मान लो कोऑर्डिनेशन फेंक दूँ, मुझे काम करना है ना आसानी से, तो इसीलिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन में थोड़ा हेडेक भी है। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन के टाइम, मान लो अगर इसको कोऑर्डिनेशन रखोगे ना, तो उस केस में जो होना, अगर आर्किटेक्चर है, मान लो आपका सॉफ्टवेयर बनाना है डॉकिंग का, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन मोड रखोगे, तो आर्किटेक्चर भी हाईलाइट होगा, तो डीप मोड में देखेगा, इलेक्ट्रिकल बाकी सर्विस भी डीप मोड में देखेगा, ठीक है। उस केस में आपको ना अलग अलग से पकड़ के फिर मॉडल कैटेगरी के अंदर जाके जो आर्किटेक्चर जो वॉल है उसको आपको साइड में ऑप्शन, जैसे यहाँ पे पीवी दबाओगे ना, जैसे कि मान लो ये डॉक्टिंग का सॉफ्टिंग बनेगा, तो पीवी दबाऊंगा तो यहाँ पे जैसे कि वॉल है, ठीक है ना, वॉल को यहाँ पे हाफून करना पड़ेगा, तो फिर जाके वॉल थोड़ा, जैसे हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन देता है ना, जो इलेक्ट्रिकल का जो सॉफ्टिंग बनाते हो, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है आर्किटेक्चर का, स्ट्रक्चर का, वो थोड़ा लाइट रहता है, समझ ना, आपका इलेक्ट्रिकल थोड़ा हाईलाइट रहता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है ना, तो आर्किटेक्चर को थोड़ा हल्का, ठीक है, बैकग्राउंड से जैसा लगना चाहिए, स्ट्रक्चर भी, ठीक है, वो होना चाहिए। इसीलिए तब उस केस में आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर फोर्सफुली मैनुअली आपका काम बढ़ जाता है, यहाँ पे हाफून करना पड़ेगा। हो सकता है हाफून करने के बाद उसका कलर चेंज ना होगा, क्योंकि अब मान लो उसमें कोई आर्किटेक्चर का मॉडल में उसमें आपने असाइन कर दिया, मतलब उसके अंदर मटेरियल को ऐड कर दिया, जैसे मटेरियल ऐड कर देंगे ना, उसके अंदर कलर आ जाएगा, लेकिन वो हाफून के साथ डेट नहीं करता, ठीक है ना। जैसे हाफून से क्या करेगा ना, ऑब्जेक्ट को थोड़ा लाइट कर देता है, ठीक है ना, लेकिन मॉडल को जो जो आर्किटेक्चर के अंदर आपने कुछ मटेरियल ऐड किया है ना, उसको भी लाइट कर देगा, लेकिन कलर रह जाएगा। मान लो मटेरियल उसका कलर रेड है, कोई मैजेंटा कलर का है, वो भी मैजेंटा देखेगा, लेकिन मैजेंटा थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। अभी मान लो आर्किटेक्चर जो आपने बनाओगे वो मान लो लिंक फैल रहा है, उस केस में भी अलग थ्योरी होगा। तो उस केस में जो है ना, सिर्फ रेबिट जो लिंक यहाँ पर है, उस केस में अगर आपके पास मान लो भी दबा के यहाँ पे रेबिट लिंक, रेबिट अभी कुछ नहीं है ना, अगर जैसे ही लिंक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जो लिंक रेबिट में वो चीज, फिर उसको हापन कर दो, तो वो पूरा जो जो रेबिट मॉडल है ना आर्किटेक्चर, वो पूरा हापन देखेगा, तो वहाँ से फिर अलग से फिल्टर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी छोड़ दो, अभी इसको अभी बायपास नहीं करता हूँ। अभी देखो मॉडल लाइन में मैंने चेंज किया लाइन टाइप ना, तो थ्री डी में चेंज किया, मीन्स यहाँ पे चेंज हो गया, वो सब जगह चेंज हो गया। अभी डिटेल लाइन में देखो, इसको सिलेक्ट किया है पूरा टैब दबा के, फिर जाके देखो मैं टैब का सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक एक के ऊपर माउस रखा हुआ मैंने, उसके बाद टैप दबाया सिंपल, जो जो लाइन कनेक्टेड है ना वो पूरा स्नैप में आ जाएगा। फिर इसको एक पॉइंट में सिलेक्ट कर लो, तो चारों लाइन सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब जाके यहाँ पे थिन लाइन है ना, इसको आप हिडन लाइन कर दो, तो ऐसे मॉडल लाइन की तरह सिम्पटम दिखेगा, समझ जाए ना, देखो सिम्पटम दिख रहा है। अभी शायद इसका जो है ना, ये हिडन लाइन है, दूसरा एक ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक है ना, ए वाली, तो हमें भी वो अगर चाहिए तो इसको भी हम जो ब्रैकेट लगाने वाला जो हिडन लाइन है ना, इसको कर दो ब्लैक देखेगा। तो दोनों दोनों जो एलिमेंट दिख रहा है, एक मॉडल लाइन है, एक डिटेल लाइन है, दोनों का लाइन स्टाइल सेम है, लेकिन उसका जो जो पर्पस है आपको पता चला, जो एक 2D में देखेगा, एक 3D में नहीं दिखेगा। अभी जो मॉडल लाइन है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अभी इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, वो फैमिलीज के अंदर होता है, ठीक है ना, क्योंकि फैमिलीज के अंदर ना डिटेल लाइन आप बना नहीं सकते हो। जैसे आप कोई नया फैमिली बनाओगे, अगर कोई बना हुआ फैमिलीज हो, फैमिलीज के अंदर ना आप पता ही नहीं फैमिली क्यों लगता है कि आप, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर फिटिंग जो जो फिटिंग्स है वो फैमिलीज के अंदर है, टैग है, टैपिक फैमिलीज है, सारी चीज फैमिलीज है ना। फैमिलीज अगर नहीं होगा तो आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, ठीक है ना। जो जो चीज़ फैमिलीज के, फैमिली बनाने के टाइम आपको, मान लो फैमिली दो टाइप होते हैं, एक जो है ना एक एनोटेशन वाला फैमिलीज होता है, और एक जो है ना मॉडल रिलेटेड फैमिली होगा। मॉडल रिलेटेड मीन्स डार्क फिटिंग है, केबिन का फिटिंग्स है, और बोले तो डार्क का टी है, पाइप का फिटिंग्स है, एल्बो है, टी है, बहुत सारा डार्क का सूट टैप है, ठीक है ना। तो ये सारे जो फिटिंग्स है ना, वो
आप मॉडल फैमिलीज के अंदर आता है, और जो डिटेल वाला जो मान लो टैगिंग है, टैग को टैगिंग देना चाहते हो, तो वो जो टैग है ना वो मॉडल रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। मॉडल में देखेगा लेकिन वो क्या होगा, वो आपको डिटेल लाइन उस टाइम में उसके अंदर एक अवेलेबल ऑप्शन है, लाइन से उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे मॉडल लाइन नहीं चलेगा टैग के अंदर, टैग के अंदर मॉडल नहीं चलेगा। एक फैमिली बनाता हूँ, एक न्यू बनाऊंगा, यहाँ पे किया मैंने न्यू, फिर फैमिली कितना बचा हुआ है वो, और 10 मिनट का, ठीक है ना, इस वीडियो में। उसके बाद जो भी बचा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। अभी मान लो एक फैमिली बनाऊंगा, एक सिंपल सा फैमिली, और यहाँ पे मान लो मैकेनिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, मैकेनिकल इक्विपमेंट बना के यहाँ पर नहीं इलेक्ट्रिकल बनाया ना, तो इलेक्ट्रिकल पर उसको हेडेक में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाऊंगा। अरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ गया है, इलेक्ट्रिकल अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो बाद में चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है ना। जैसे कर दिया, आप यहाँ पे देखो, मान लो मुझे कोई पैनल बनाना होगा, ठीक है, पैनल भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, क्रिएट के अंदर एक्सट्रूशन है, पेंट है, रिवॉल्व है, ये प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है लेकिन दूसरा ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लो मैं काट करके बताऊंगा, ये जो एक्सट्रूशन वगैरह ना यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे देखेगा नहीं, नॉर्मल वाले देखो, यहाँ पे देखो एक्सट्रूशन कुछ भी नहीं है। जैसे फैमिलीज के अंदर देख रहे, जैसे फैमिलीज यहाँ पे ना, फैमिलीज के अंदर एक्सट्रूशन जो भी सिंबल है ना, पेंट, स्वीप, वॉइड, ये सब ऑप्शन है, लेकिन प्रोजेक्ट जैसे जा रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट के अंदर ये तो प्रोजेक्ट फाइल है ना, प्रोजेक्ट के अंदर ये सब अप्लाई नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो अगर चाहिए तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मॉडल इन स्पेस करना पड़ेगा तब, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे मॉडल इन स्पेस करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उस केस में मान लो इसको नाम दे दो, उस केस में फिर एक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक मॉडल फैमिली बनाना चाहते हो लेकिन वो आप ब्लॉक में नहीं रहेगा, मतलब अगर उसका पैरामीटर टैग भी नहीं दे सकते हो, तो वो एक बस ऑब्जेक्ट रहेगा बस प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन उसको आप क्वांटिटी में भी नहीं जा सकते हो। तो उसके लिए इसीलिए क्या करोगे ना, मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा जो मॉड जहाँ से मैंने किया है ना, इसको एस्केप करा दो, कैंसिल करा दो, मैं आर्किटेक्चर के अंदर कंपोनेंट में जाके जो मॉडल इन प्लेस किया ना, मॉडल इन प्लेस तभी यूज करोगे अगर वो एलिमेंट आपका क्वांटिटी में नहीं चाहिए, उसको टैगिंग नहीं दिखाना है, तो मान लो उसको फिल्टर नहीं करना है, फिल्टर कर सकते हो लेकिन उसको कमेंट से फिल्टर कर सकते हो, लेकिन उसके फैमिली टाइप नेम से उसको फिल्टर नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप मॉडल इन प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। वो भी एक फैमिली टाइप का ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वो उसका आप टैगिंग नहीं दे सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर टैगिंग नहीं दे सकते उसको, क्वांटिटी में जैसे हम क्वांटिटी निकाल दें, कितना टेबल है, कितना डॉक्टर से लगा हुआ है, डॉक्टर लिंक कितना है, वो आपका उस पैरा उस क्वांटिटी के अंदर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अभी मैं फैमिली में चला जाऊंगा, अब फैमिली में जाके जब मैं पैनल बनाऊंगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पैनल बनाऊंगा, तो पैनल जब बनाऊंगा एक्सट्रूशन करूंगा इसको, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो देखो क्रॉस कर दूंगा, जगह यहाँ पे आपको पता ही नहीं है इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दूँ, जो एक्सट्रूशन, बेंड, रिवॉल्व, स्वीप, ये जो चीज़ आपको देख रहा है ना, एक टूल्स है, टूल्स, इसको मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको उसका मतलब एक्सिस लाइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाना चाहते हो। जैसे कि मान लो कौन सा चीज़ बना सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये मैं माइक्रोफोन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये माइक्रोफोन जब देखने में राउंड शेप का है, इसके जो ऊपर जो एक अलग से डब्बा लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो इसको बनाना है तो आपको ऐसे वाला सर्कल को रिवॉल्व करके घुमाना पड़ेगा, ये हो जाएगा उस टाइप का ऑब्जेक्ट। तो उसमें इसमें क्या होगा ना, उस केस में आप रिवॉल्व करोगे ये, और ये जो सिलेंडर वाला जो ऑप्शन है ना, इस सिलेंडर वाला, इस सिलेंडर को दो ऑप्शन से आप बना सकते हो, दो नहीं बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे जो एलिमेंट है ना इससे सब में से बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका से एक्सट्रूशन, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा पर्पस के लिए, और आपको एडिट करना है आपको आसान होगा ऐसा, और उसको पैरामीटर जैसे आसान कंट्रोल से होगा, ये वाला आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे ऑब्जेक्ट बनाना तो आप बहुत सारे टूल से बना सकते हो, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंट्रोल करना मीन्स मान लो अगर मैं एक्सट्रूशन से करूँगा तो उसको मैं एक ही करके बताऊँगा। जैसे मान लो कि एक एक्सट्रूशन बनाऊंगा, एक एक्सट्रूशन, ठीक है ना, एक पैनल है, तो एक रेक्टेंगुलर ले लूँगा, फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर इसको डी आई से ना इक्वल कर दूंगा, सेंटर लाइन से इसको इक्वल कर दूंगा, और इसको एक डायमेंशन दे दूंगा यहाँ पर, और इसको भी सेंटर लाइन से इक्वल कर दूंगा, तो एक इक्वल कर दूंगा। जैसे जब मैं पैरामीटर दूंगा तो अपने आप बड़ा छोटा होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल से एक्सट्रूशन बनाया हूँ, और इसका मैं पैरामीटर भी दे दूंगा, जैसे कि मान लो ये वाला, इसको मैं पहले सिलेक्ट किया डायमेंशन को, फिर यहाँ पे अगर मैं इसको पैरामीटर देना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, यहाँ पे ऐड पैरामीटर, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो इस पैनल का
विथ है, ठीक है ना, तो मैं एक दूंगा पी अंडरस्कोर विथ, ठीक है ना, तो पैनल का विथ है, पैनल विथ शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर फुल में लिखना चाहते हो तो फुल में लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पी पैनल विथ। अभी यहाँ पर टाइप पैरामीटर है, इंस्टेंस पैरामीटर है, काफी मैंने फैमिली बना के रखा हुआ है, उसको वीडियो में देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोग बेसिक अगर तो स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है ना, तो मैं पहले आपको थोड़ा गाइड कर दूँ, उसके बाद जो क्रिटिकल वाला फैमिली में एंटर कर, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब मैं चाहता हूँ इसको इंस्टेंस वाला बनाऊँ। इंस्टेंस में डिफरेंस क्या होगा, इंस्टेंस में जो फैमिली होगा वो आपके हिसाब से जो भी पैरामीटर देना चाहते हो दे दो, ठीक है ना। तो मान लो फैमिली टाइप तो एक ही होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा वो आपके ऊपर है। आप मान लो यहाँ पे एक वाला फैमिली को 10 जगह कॉपी किया है, इसे अगर मैं 100 कर दूँ, इसमें 2 कर दूँ, 200 कर, 300 कर दूँ, तो उसमें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टाइप रखोगे ना, टाइप लगा हुआ है, अगर टाइप करोगे, अगर 10 जगह कॉपी करोगे ना, मान लो एक टाइप में कॉपी कर दोगे, एक टाइप में एडिट कर दोगे ना, तो 10.5 जगह जहाँ जहाँ लगा हुआ है सब जगह, ठीक है। उसका मैं अलग से वीडियो अगर चाहे तो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन क्या होगा ना, अभी ऑलरेडी मैं बना के रखा हुआ, ठीक है ना, तो वो भूलना पड़ेगा। अभी उसका नंबर तो मुझे नहीं पता, अगर फ्यूचर में दूसरा बना वीडियो बना टाइप और इंस्टेंस का, सिर्फ उसके लिए वीडियो बना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो मैं इंस्टेंस कर दूंगा, तो अभी इंस्टेंस दिमाग बना, ठीक है। तो इंस्टेंस में क्या होगा, मैं अपना हिसाब से जो भी साइज चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, मान लो इंस्टेंस। फिर यहाँ पर तो कॉमन है, लेंथ है, ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर डायमेंशन को कुछ अलग कर दो तो ये फिर यहाँ पे जो पैरामीटर है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डायमेंशन है तो ये अपने आप डायमेंशन ले लिया, इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये डायमेंशन कैटेगरी आएगा और इसका जो नाम होगा पी विथ, जैसे कर दूंगा ये जो वन ऑन टू है ना, इसके आगे पी विथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी विथ इक्वल टू आता है, ठीक है। अभी इसको भी एक पैरामीटर दूंगा, ऐड पैरामीटर करके, ऐड पैरामीटर करके मान लो ए पी अंडरस्कोर लेंथ, लेंथ अरे लेंथ इतना है, ठीक है। और इसको भी इंस्टेंस कर दूंगा, ओके कर दूंगा, इंस्टेंस कर दूंगा, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा, फिनिश जैसे कर दूंगा, फिनिश करने से पहले देखो, थ्री में दिखाऊंगा, फिनिश करने से पहले ये लाइन है, ठीक है। अब जैसे फिनिश कर दूंगा एक थ्री डी बन जाएगा, फिनिश कर दूंगा, फिनिश जैसे कर दूंगा देखो ये लाइन थ्री डी बन गया। इसको अगर इसको फाइन कर दो और यहाँ पे शेड मोड कर दो, ये शेड मोड बन जाएगा। अगर चाहे तो इसको थोड़ा स्टेज पेज कर दो, जो अपनी मर्जी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से। लेकिन ये जो इसको भी पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके यहाँ पे जाना पड़ेगा। और इसको अगर ये प्लान व्यू है, अगर मान लो यहाँ से खड़े होके मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, खड़े होके मैं इधर देखता हूँ, तो कौन सा व्यू में आऊँगा, कौन सा व्यू से जाना पड़ेगा। यहाँ पे चार व्यू है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस साइड में, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे मैं अगर खड़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ए वाला व्यू में खड़ा होगा तो वो फ्रंट व्यू होगा, अगर ए वाला व्यू में खड़ा होगा तो वो बैक व्यू होगा, और ए वाला होगा ये आपके हिसाब से लेफ्ट व्यू होगा, लेफ्ट। यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे राइट व्यू होगा, ठीक है। अरे मान लो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मान लो राइट, यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है बैक फ्रंट लेफ्ट राइट व्यू बना हुआ है, जैसे मैं बोला उसकी से। अगर मान लो राइट क्लिक कर दोगे, अगर मान लो फ्रंट व्यू क्लिक करोगे, तो यहाँ से खड़े होकर जो भी चीज देख रहे हो तो वो अपने रिपीट आपको दिखाएगा। जैसे मैं फ्रंट में जाऊंगा तो देखेगा इसका हाइट देख रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट अगर बैक में जाऊंगा तो वही देखेगा, लेकिन मिरर हिसाब से देखेगा, अब पता नहीं चलेगा, लेकिन है वही सेम दिख रहा है। अगर लेफ्ट में देखूंगा तो ये छोटा देखेगा, ये छोटा सा लंबा सा, ठीक है। अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो ये पतला हो जाएगा लंबा सा। अगर राइट में देखोगे वही सेम चीज देखेगा, जो लेफ्ट में देख रहा है राइट में भी वही देखेगा, लेकिन उसको रिवर्स करके देख रहे हो, ठीक है ना, राइट में भी वही देखेगा। अभी क्वेश्चन आया, जैसे कि मान लो इसका कोई शेप है, आपके पास कोई कैड सेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे लिंक करोगे ना, लिंक करके मान लो उसके हिसाब से डायमेंशन जो भी है, कैट हम लिंक क्यों करते हैं, जैसे मुझे काम में आसान हो, उसमें कोई डायमेंशन डाला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, मैं उसके हिसाब से 3D बनाना, लेकिन कैट का 2D है, उसको अगर 3D कन्वर्ट करना है, बस उस सेक्शन को यहाँ पे लिंक कर दो, उसके हिसाब से आपका मॉडल जहाँ पे है अलाइन करके बना दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो उस केस में जाना, अगर मान लो अगर कोई कैट को आप लेफ्ट में लिंक किया ना, वही सेम कैट राइट में भी चला जाएगा, देखेगा। अगर आपने किसी, लेकिन फ्रंट और बैक में नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रंट अलग ही है। मैं इसको प्लान में दिखाऊंगा, प्लान में मान लो एक प्लान है ना, प्लान में अगर जब हम कोई भी कैड में यहाँ पर लेफ्ट में लिंक करता हूँ, लेफ्ट मास यहाँ इस साइड में, तो अगर मैं आर पार हो जाएगा ना, तो इस साइड में भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर मैं कोई भी कैड लेफ्ट में लिंक करता हूँ इस लेफ्ट में, तो वो राइट में भी दिखेगा। लोग कभी कभी कन्फ्यूज होकर क्या करता है ना, वो बोलता है यार मैं लेफ्ट में अलग से कैड लिंक करना चाहता हूँ, राइट में कुछ अलग देखना चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लिमिट क्या करेगा, जो लेफ्ट में आप करोगे वो राइट में आ जाएगा,
अगर उस केस में आप, अगर मान लो आपका रेबिट को आप मतलब रेबिट समझ नहीं पा रहे, अगर आपको रेबिट को समझाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली आपको हाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो लेफ्ट में आपने एक कैट लिंक कर दिया है, राइट में नहीं लिखना चाहते हो, तो राइट में जाके ना वो वाला कैट को एज मारकर बंद कर दो, मतलब हाइड कर फोर्सफुली, नहीं तो एज एज करके हाइड कर दो। मुझे पॉसिबिलिटी यही है, प्रोजेक्ट के अंदर एज काम करता है, शायद फैमिलीज के अंदर एज नहीं काम करता, ये मीन्स हम एलिमेंट को हाइड कर रहे हैं जो जबरदस्ती, ठीक है ना। वो एक्चुअली सिर्फ एक ही एलिमेंट को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये हो गया फंडर। तो अगर फ्रंट व्यू में मैंने कोई लिंक करूंगा तो बैक व्यू में भी आ जाएगा, तो आपको फोर्सफुली हाइड करना पड़ेगा अगर काम के कारण, काम करने में आसान हो तो। अगर किसी ने बोला अरे मेरे को, हाँ ये सही बताया वो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने फ्रंट व्यू से अलग से देख रहा हूँ, बैक व्यू में कोई मान लो कोई डोर मेरे सामने है लेकिन पीछे में कोई बैक डोर नहीं है, ठीक। उस केस में क्या होना, आपने जो कैट लिंक किया है शायद कैट के अंदर डोर भी देख रहा है, लेकिन वो जो डेस्क देख रहा है वो शायद फ्रंट व्यू का होगा। बैक में, बैक से जब देखोगे पैनल को, बैक में तो कोई डोर नहीं है, उसमें तो एक बॉक्स ही देखना चाहिए जो डोर नहीं देखना चाहिए, तो वो भी सही है। तो रेबिट तो समझ नहीं पाएगा, वो बोलेगा मुझे मुझे कह दे दिया मैं आर पार देखूंगा, मतलब इससे जो है उधर से जो देख रहा है उधर से मैं देखूंगा, समझ ना। अगर ग्लास के, ग्लास के उधर से बंदा कोई खड़ा है आपका दोस्त, आप यहाँ पे खड़े हो तो उसको भी आप देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है, कोई सेम लाइन। यहाँ पे जो ग्लास है ना, एक भी लाइन जो है ना ग्लास के काम कर रहा है। अगर ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर दो तो देखेगा, अगर मान लो ग्लास बिल्कुल इधर से उधर क्या है देखने को तो क्या काम है, ठीक है, तो वो अलग ही थ्योरी है। लेकिन रेबिट वो समझता है अगर यहाँ पे खड़ा हो तो उधर साइड दिख रहा है, इधर उधर है तो मैं यहाँ तक देखूंगा। ये चलो ये हो गया। अभी जो यहाँ पे जो लाइन है ना, यहाँ पे डीएल करोगा ना डीएल, तो एक काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉडल लाइन करोगे ना, तो मॉडल लाइन पे ए लाइन है, मॉडल लाइन, तो ए लाइन से यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वो दिख जाएगा। फ्रंट में जाऊंगा, ठीक है, फ्रंट में जाके मैं ए लाइन बनाऊंगा, ए लाइन, ठीक है। मान लो यहाँ से एक लाइन बना दिया, ठीक है ए, लेकिन जो लाइन है ना थ्री डी में दिखना चाहिए। अगर थ्री डी में जाऊंगा तो ए लाइन देखो सिले पीवीएस यहाँ पे है, ए लाइन थ्री में देख रहा है, इसका डायमेंशन जो भी देना चाहते देख सकते कुछ भी। तो इस केस में जो है ना, आपको थ्री डी में जो अगर मान लो कोई कोई एलिमेंट ड्रॉ करने का टाइम क्या होता है ना, आपको डिटेल लाइन का तो हमें प्रोजेक्ट में जरूरत होता है, तो यहाँ पे तो डिटेल नहीं बना सकते। उस केस में जो है ना मॉडल लाइन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें मेजरमेंट चाहिए यहाँ से कितना, यहाँ से कितना, तो आप तो एक साथ नहीं कर सकते, आपको पहले से एक मेजरमेंट लेना पड़ता है, आइडिया लेना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो बहुत कुछ पर्पज के लिए ना आपको पहले एक इमेजिनरी एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से अगर थ्री डी बनेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपको एक प्रेजेंट, जैसे मान लो ए वाला मॉडल लाइन को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, इसको पहले सिलेक्ट कर लो, फिर फ्लोट पेन में चला जाओ, फिर इसको ए वाला पॉइंट में बैठा हुआ है, ए वाला पॉइंट में, ठीक है, तो इसको पहले मूव कर दो, मूव करके यहाँ से बैठा दो, और अगर मूव करना है तो डिसीजन कर दो, ठीक है ना। डिसीजन कर दोगे तो फिर थ्री डी में देखोगे ना ये इस कॉर्नर में आ गया। अगर मान लो इसको चारों कॉर्नर में रखना है तो वो भी कर सकते हो, मान लो फ्लोर प्लान में इसको सिलेक्शन मोड में रहेगा, इसके नहीं दबाओ, फिर इसको कॉपी करो, मान लो इसको मल्टीपल जगह कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे से फिर कॉन्सेंट हटा दो, फिर मल्टीपल यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ओके, फिर यहाँ पे एक है, ठीक है ना, अभी कॉन्सेंट ले लिया है, फिर यहाँ पे एक है, ठीक है ना। अब मान लो थ्री में जाऊंगा क्या होगा, थ्री में देखो चार कॉर्नर में ही बन गया। अगर मान लो एलआई करके थ्री में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जोड़ना चाहते हो, मुझे तो नहीं लगता है स्नैप लेगा, लेकिन देखो स्नैप तो नहीं ले रहा है, तो इसको आपको प्लान इसको सेक्शन थ्री में करना सही होगा, तो एक्सेप्ट होगा। देखो यहाँ पे मैं एलआई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई लाइन के ऊपर कोई स्नैप मुझे चाहिए था ना, अगर उसके बिना मैं एग्जैक्ट पता चलेगा कौन सा एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, अच्छा पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। लेकिन मैं ए लाइट को एक्टिवेट कर लिया है, फिर भी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ड्रॉ तो करूंगा लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर मान लो ड्रॉ कर दिया, अभी देखो मैं ड्रॉ कर लिया लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ, कहाँ पर चला गया, कर देख के लग रहा है यहाँ पे हो रहा है लेकिन हो गया उज्जवल, तो मैं डिलीट कर दूंगा। अगर मान लो एग्जैक्ट पता है करना है तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जाना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई ए लाइन करके फिर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो शायद सेंटर में आएगा, ठीक है, अब देखो थ्री डी करके यहाँ पे आ गया। अगर मान लो इसको मूव करके यहाँ पे लेना चाहते हो तो मूव करके यहाँ पे मूव करके ये जो कांस्टेंट है ना इसको भगा दो, और डिसीजन रहेगा डिसीजन के बिना, क्योंकि इसकी रेफरेंस में है ना, तो डिसीजन नहीं करोगे ना, डिसीजन रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो आपको मूव तो करोगे, कॉपी तो करोगे जो भी होगा, लेकिन वो फिर कॉपी नहीं होगा, वो अपने आप डिफॉल्ट स्किप कर देगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मूव कर दूंगा, फिर थ्री डी देखो ये जो लाइन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी टैप दबाओगे तो पकड़ में आएगा, क्योंकि जैसे मूव कर देना वो लाइन कैच कर लिया, अरे मेरे साथ जुड़ गया, अभी इसको टैप दबाए पूरा सिलेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, अभी मैं लाइन मान लो इसको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। अरे सॉरी, अगर मान लो इस तरह आगे अभी क्वेश्चन आया, जैसे कि मान लो ये लाइन जो है ना यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, तो कौन सा व्यू में जाओगे? ये देखो फ्रंट व्यू में अगर जाऊँगा तो आपको बस ये लाइन दिखेगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पे, मुझे मुख के पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा लेफ्ट में, ठीक है। अब मुझे ये जो लाइन है ये बस सिलेक्शन मोड में है, मैं स्केप नहीं किया, अभी सिलेक्शन मोड में है, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे एक बड़ा दूंगा, ठीक है ना। ओके, हाई कॉन्स्टेंट के मोड की वजह से नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है, फिर थ्री डी करो, यहाँ पे आ गया है, समझ रहे। लेकिन थ्री डी नहीं बन रहा, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर मान लो मॉडल लाइन कहाँ का, मान लो अभी मान लो मेरा मॉडल लाइन का इमेजिनरी लेयर बन गया, मान लो यहाँ तक मुझे मॉडल लाइन बन गया है, इसकी मुझे थ्री डी जो है ना मुझे यहाँ तक अलाइन करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करोगे ना, यहाँ पर जस्ट अलाइन दबाओ, ये जो अलाइन ऑप्शन है ना, बस ये लाइन को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर क्लिक कर दो, आपने समझ आया ना। लेकिन मैं बस आपको दिखाने के लिए, कभी कभी क्या होता है ना, जो आपने थ्री डी बना दिया वो थ्री डी जो है ना, मान लो फ्लोर प्लान में, मान लो मैंने जब क्रिएट किए, मैं एक्सट्रूशन बनाया था ना, मैं एक राउंड बनाऊंगा, ठीक है ना, अभी मैं रेक्टेंगल लिया था ना, मैं राउंड बनाऊंगा। अब जैसे मैं राउंड बनाऊंगा, जैसे कि मान लो यहाँ तक राउंड बना दिया, फिर इसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है, जैसे थ्री डी में देखोगे ये राउंड शेप का एक ऐसा डब्बा सा बन गया है। लेकिन एक क्वेश्चन है, इसको आप डायमेंशन से दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं देखो यहाँ पर मैं फ्लोर पर जाऊँगा, देखो मैं अगर डी आई करूँगा ना, डी आई डायमेंशन देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर स्नैप मुझे आ रहा है, यहाँ पे भी स्नैप आ रहा है, देखो मुझे पकड़ में आ रहा है, यहाँ पे भी स्नैप आ रहा है, यहाँ पे भी स्नैप आ रहा है। तो यही ऑब्जेक्ट जब मैं प्रोजेक्ट में लोड करूंगा, जैसे मान लो इसको मैं लोड करता हूँ प्रोजेक्ट में, मान लो यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, मैं मुझे प्रेजेंटेशन के पर्पज दिखाना होगा मुझे इस पैनल का डायमेंशन कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और सॉरी यहाँ से यहाँ तक कुछ भी है, ठीक है, मैं डायमेंशन प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। अगर साइड पर वॉल होगा तो वॉल से भी आप उसको डायमेंशन पकड़ सकते हो, लेकिन मैं अगर सर्कल का प्रेजेंटेशन लूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं यहाँ डायल डी आई करूंगा, देखो यहाँ पर कोई भी स्नैप नहीं है, देखो कोई भी स्नैप, सिर्फ ये वाला पकड़ में आ रहा है, लेकिन बाकी देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आ रहा है, लेकिन देखो मैं अगर चाहूंगा यहाँ पे आ गया, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कोई स्नैप पॉइंट नहीं है, देखिए मान लो यहाँ पे कोई स्नैप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो पॉइंट के आ रहा है, कभी कभी अगर मैं यहाँ पे अभी देखो आ रहा है, लेकिन वो मुश्किल से। अभी क्या होगा, अभी मान लो यहाँ पे मैंने कोई काट लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कोई काट लगा दिया, देखो मैं काटता हूँ इसको, रिफैमिली काटता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ काट दूंगा, यहाँ पे भी कुछ काट दूंगा, तो काटने के लिए मुझे वायर चाहिए, ठीक है ना, फिर जाऊँगा क्रिएट में, यहाँ पे वायर के लिए मुझे मान लो एक्सट्रूशन चाहिए, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे मैंने राउंड लगा के यहाँ पे ऐसा काटता हूँ 120, मान लो यहाँ पे भी ऐसा काट के, ठीक है ना, अभी फिनिश कर दूंगा। अब जैसे फिनिश कर दिया, फ्रंट में चलोगे, फ्रंट में जाके इसको थोड़ा सा अभी देखो, अभी तुम्हें 3 मिनट दिखाऊंगा, मजा आएगा। अभी देखो ये देखो जितना सा पोर्शन यहाँ पे आया ना, उसको काट दिया है, ठीक है ना, अभी मैं मैक्सिमम कर दूंगा तो मैक्सिमम पॉइंट को वो काट देगा, समझ आए ना। तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे ये तो कर लिया, अभी लोड इनटू पोजीशन करता हूँ, डायमेंशन, हाँ अभी देखो डायमेंशन डिलीट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा ना, मान लो यहाँ से मुझे पॉइंट चाहिए, वो जो पॉइंट आ रहा था ना स्नैप पॉइंट डॉट वाला, वो भी नहीं गायब हो गया। तो ऐसा कभी कभी केस हो जाता है फैमिली के टाइम, अभी यहाँ पे फाइट करोगे, वहाँ पे फाइट करोगे, यहाँ पे कुछ क्राफ लगाओगे, काट के टाइम है ना आपका जो डायमेंशन वाला जो पॉइंट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। इस केस में आपको दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर डायमेंशन पकड़ना ही है इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में एरी फैमिली कर दोगे तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन भी बना सकते, रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, आर एल, ठीक है, नहीं तो आर पी कर दो, रेफरेंस प्लेन है, तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी एक सेकंड में यहाँ पे वो पॉइंट देखो मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए था ना साइकिल का, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, उसके लिए मुझे फिर एक एलआई बनाना पड़ेगा, एलआई करके मैं एक साइकिल बनाऊंगा, फिर अरे एससी करके पकड़ में आ जाना चाहिए, एससी करके मान लो यहाँ तक मैं साइकिल, लेकिन ये थ्री डी नहीं है, थ्री डी तो है लेकिन देखेगा, लेकिन लाइन के हिसाब से देखेगा, ठीक है ना। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे एक स्नैप पॉइंट है, अब यहाँ पे मुझे एक रिफरेंस प्लेन ड्रॉ करने के लिए रिफरेंस लाइन सॉरी आर पी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है स्नैप, देखो ना स्नैप मिल रहा है, एक स्नैप मिल रहा है, तो यहाँ से रिफरेंस प्लेन बना दो। लेकिन ये थ्री डी में देखो जब मैं प्रोजेक्ट में लोड करूंगा ये देखेगा नहीं, आर पी करके मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से मुझे डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है ना,
अभी मेरा सर्किल का जो ये वाला जो राउंड का ना एक्सटर्नल पॉइंट ये वाला है, ये वाली है, ठीक है ना। अब मैं इसको लोड एंड ओवरराइड करूंगा, तो यहाँ पे ओवरराइड करूंगा, देखो यहाँ पे डीआई करूंगा तो यहाँ पे एक लाइन आएगा, तो स्नैप आ रहा है ना, ए स्नैप और देखो ए स्नैप, ठीक है। तो कभी कभी उन रिफरेंस लाइन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मान लो डायमेंशन आपको बिल्कुल देना ही देना जरूरी है, उस केस में आप उस पॉइंट में ना एक रिफरेंस प्लेन ड्रॉ कर लो तो उसका आपका जो डायमेंशन का स्नैप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना पैरामीटर के ऊपर है, मान लो पैरामीटर से इधर उधर बड़ा साइज छोटा बड़ा, तो उसके हिसाब से क्या करोगे ना, जो ऑब्जेक्ट का प्लेन है उसके साथ जो रेफरेंस प्लेन ड्रॉ कर रहे हो ना उसको आप अलाइन कर दो, अलाइन करके लॉक कर दो। लॉक करने से क्या होगा, रेफरेंस प्लेन भी मूव होता जाएगा और आपका जो डायमेंशन देने का टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, कभी कभी मैंने जो मॉडल लाइन है वहाँ से मैं थोड़ा हेल्प लिया है, मेरे पास रियल लाइन का ऑप्शन ही नहीं था, मैं रेफरेंस प्लेन का ड्रॉ ही कैसे करता है अगर मेरे पास कोई स्नैप पॉइंट नहीं है, समझ रहे ना। तो ये जो पर्पस है, पहले मैंने आपको समझा दिया, जो डिटेल लाइन का तो प्रोजेक्ट में बहुत जरूरी है, लेकिन डिटेल लाइन का ऑप्शन हमारे मिल फैमिली के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। बहुत सारा अभी जब प्रैक्टिकल करोगे प्रोजेक्ट के अंदर तब आपको हजारों ऐसे प्रॉब्लम फेस होगा। अभी तो देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। अभी जब वहाँ पे मान लो बहुत कुछ ऐसे, जैसे मान लो केबिन ट्रे का, हमने केबिन ट्रे का वीडियो बनाया था, मान लो केबिन ट्रे ऐसे रन कर रहा है, थ्री डी में रन कर रहा है, ठीक है। मैं थ्री डी में उसको हमने प्रेजेंटेशन टाइमिंग देना है, टैगिंग दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी वहाँ पर रिक्वायरमेंट था केबिन ट्रे का जो लेंथ कितना है ना छोटे पीस का, उसका भी एक डायमेंशन देना था, ठीक है ना। उस केस में क्या हुआ ना, केबिन ट्रे का कुछ मसले की वजह से, मान लो केबिन ट्रे को स्लोप में है, डार्क कुछ स्लोप में है मान लो, लेकिन क्लाइंट का जरूरी है स्लोप में, खाली बल मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे वहाँ पे डायमेंशन चाहिए चाहिए, लेकिन स्लोप में तो आपको डायमेंशन नहीं पकड़ेगा ना। तो मान लो मुझे एक पाइप का आधा पॉइंट में लिख करके मुझे लाइन ड्रॉ करना है, इस केस में क्या करोगे, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दौर कैसे दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो डी टी करता हूँ मैं, समझ जाऊँ जितना समय बोलूंगा मैं उतना टाइम कर दूंगा, ठीक है। अभी मान लो रेक्टेंगल एक डार्क ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, दिखेगा नहीं क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट के अंदर ना, तो मुझे सारा कुछ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो सब कुछ ऑन कर दूंगा तो डार्क दिख जाएगा, अरे फिर भी नहीं रह रहा, थ्री डी में जाऊँ कहाँ गया मेरा डार्क, यहाँ पे भी दिखेगा नहीं, यहाँ पे सारा कुछ ऑन करना पड़ेगा। ओ वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने सारे चीज ऑफ था, ओके करता हूँ मैं, ठीक है। अभी डार्क आ रहा है ना, इधर से उधर कर दो कुछ भी है, फ्लोर प्लान में भी देखेगा, तो मान लाइटिंग के अंदर यहाँ पे अभी बी भी दबाऊंगा। अब जो मैंने हमने ऑफ था ना, तो मैं सिर्फ आर्किटेक्चर को ऑन किया था सारे, अभी देखो फ्रीजा टर्मिनल सब कुछ आ गया, इसको भी मुझे ऑन करना है सारे, तो कर दूंगा मैं डार्क, अभी दिख जाएगा, ठीक है ना, ये डार्क दिख गया, ठीक है ना। अब मान लो डार्क जो है ना, इसको मान लो यहाँ से नोटेट करता हूँ, यहाँ फिटिंग तो नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे डार्क का टेम्पलेट नहीं है, अब जोड़ता हूँ देखो नहीं लिखा, तो ये फिटिंग आपको फिर लोड करना पड़ेगा, बहुत सारा सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। मैं इसके लिए काफ़ी सारा वीडियो बना दिया है, डार्क का सिस्टम कैसे बनना होता है, फैमिली कैसे लोड करना होता है, उसको कैसे मोबाइल लिंक करना पड़ता है, सिस्टम जो भी है पाइप का भी कर रहा है, ठीक है। फिर भी एग्जाम के दौर में मैं डार्क फिटिंग लोड करता हूँ, जैसे मुझे एल्बो चाहिए ना तो ये करता हूँ, जैसे मैंने कैसे किया डी एफ डार्क फिटिंग शॉर्टकट नाम डी एफ, तो ये करूंगा हाँ मुझे लोड करना है, तो यहाँ पे मुझे फिटिंग में जाऊंगा और मुझे एल्बो चाहिए ना, तो रेक्टेंगुलर में जाके मैं यहाँ पे एल्बो लूंगा, एल्बो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे एल्बो चाहिए तो रेडियस वाला ले लूंगा, रेडियस वाला लेके ओपन कर दूंगा, चाहे तो मुझे सब कुछ मैं एक साथ ले सकता हूँ ओपन कर दूँ, तो अगर मैं फ्यूचर में मुझे जरूरत होगा तो मैं बार बार क्यों यहाँ पे आऊँ, एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें काफी टाइम लगता थोड़ा, लेकिन मेरा मैसेज फास्ट है तो जल्दी कर दिया। अब मैं जाऊँगा डार्क को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाके यहाँ पे राउटिंग डिवाइस में लूंगा, और यहाँ पे देखो सारे जगह अभी नान है, तो इसीलिए वो कनेक्शन नहीं ले रहा था, जैसे मैं जित पिपरन जंक्शन पॉइंट टी है, ठीक है, अभी यहाँ पे पिपरन जंक्शन पॉइंट टी रहने दो, अगर जंक्शन में क्या रखना है तो मान लो यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अभी मान लो क्रॉस में भी नान है, अभी ट्रांजिशन में अरे मेरी फैमिली लोड किया है, अच्छा एल्बो मेरा कहाँ है, एल्बो यहाँ पे एल्बो, जैसे मैंने क्योंकि हमने खाली खुद देख रहा बाकी, क्योंकि मैंने सिर्फ एल्बो रिलेटेड जो फैमिली था मैं लोड किया, तो सिर्फ इसीलिए एल्बो में जो फैमिली मैंने लोड किया था ना वो दिख रहा है, बाकी चीज में कोई नहीं है। देखो यहाँ पर टी दो मैंने कुछ लोड नहीं किया ना, सब खाली है, जब तक नहीं लोड करोगे तब तक यहाँ पर देखेगा नहीं। मैंने एल्बो लोड किया तो एल्बो में जाके यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर डार्क में रेडियस और डब्लू विथ ले रहता हूँ, वन विथ, ठीक है ना, फिर ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे ओके कर दूंगा, अगर मान लो टी आर कर दूंगा यहाँ से तो टीम ले लेगा, उससे पहले ले लेता, अगर मान लो फैमिली लोड ना करके, जैसे देखा ना जोड़ नहीं रहा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा जब तक उसको आप राउटिंग डिवाइस में आपको उसका जो रिलेटेड फैमिली लोड नहीं करोगे, उसको असाइन नहीं करोगे, लोड करने के बाद से नहीं होगा, लोड करने के बाद असाइन करना पड़ेगा,
कौन सा टाइप का एजुकेशन करना पड़ेगा, शायद मैं इस टाइप में किया तो कोई पीएचडी नहीं, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा टाइप टाइप बना हुआ है, इस टाइप में किया है तो ये फैमिली दूसरा टाइप में अलग समय सेटिंग किया है तो उसमें अलग फीलिंग आ सकता है। ठीक है, ये हो गया बेसिस कॉन्सेप्ट। अभी मान लो यहाँ पे 3D में जाऊंगा, 3D में डाट का मैं डायमेंशन दूंगा, ठीक है, टैगिंग भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे TG मारोगे तो नहीं होगा क्योंकि ये 3D को मुझे फिर लॉक करना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लो ये 3D कहाँ है मेरा, पावर में चला गया क्या 3D, हाँ ये मान लो 3D है। ठीक है, अभी मैं 3D को भी डुप्लीकेट कर लूँगा, डुप्लीकेट करके यहाँ पे डिटेलिंग कर दूंगा। अब मान लो ये वाला डिटेलिंग कर तो मैं जो ऑलरेडी पुराना वाला था ना, जो मैं जिसको काम कर रहा हूँ घुमा, अगर मैं लॉक कर दूंगा तो घूमेगा नहीं। ठीक है ना, अभी जैसे मान लो कॉपी करके बना, इसको मैं क्या करूँगा, फाइन मोड कर दूंगा और शेयर मोड कर दूंगा, जैसे कर दूंगा अभी यहाँ पे इसको लॉक करना, 3D को लॉक करना पड़ेगा, यहाँ 3D को लॉक करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा सेफ ओरिएंटेशन। ठीक है ना, जैसे कर दूंगा ये लॉक, अभी ये घूमेगा नहीं, अब आपका जितना सीट दबा के घुमाओ ना घूमेगा नहीं, लेकिन अभी ये अनलॉक है, ये घुमा सकते कुछ भी कर सकते, चेक करना होगा ना कहाँ पे ग्लास है, घुमा के देखना अरे यहाँ पे है वो है, लेकिन जैसे लॉक कर दोगे ना, अगर लॉक जब तक नहीं करोगे ट्रैकिंग भी नहीं दे सकते। ठीक है ना, अभी इसका डायमेंशन लॉक कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं इसको लॉक ना करूंगा तो उसका डायमेंशन ट्रैकिंग कुछ नहीं दे सकता हूं, तो अभी DI करूंगा, DI करके मान लो यहां से यहां तक, देखो अभी देखो डायमेंशन कहां चला गया, मैं डायरेक्ट यहां पे है लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया डायमेंशन, तो उसको मुझे यहां पे फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे जाना पड़ेगा आर्किटेक्चर के अंदर, फिर यहां पे सेट, फिर मान लो यहां पे पी के प्लेन, मान लो ओके कर दूंगा, ओके करने के बाद मान लो ए वाला प्लान करूंगा तो यहां से डायमेंशन आएगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, जैसे सिलेक्ट कर दूंगा फिर DI करूंगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन आ जाएगा। अगर लेकिन मैं यहाँ पे डायमेंशन दूंगा ना तो फिर भी दूर में जाएगा, जैसे मैं आस पास आ गया तो अगर ज़्यादा बड़ा होगा ना वो फिर आपको सेट दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, अगर TG दबा के भी करोगे लोड नहीं है फिर दोबारा लोड करना पड़ेगा, तो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मान लो ये डक मेरा ऐसा सिचुएशन में, मान लो ये डक मेरा, मैं इसे क्यों बताया, मान लो यहाँ पे लेंथ में जाऊंगा और मैं यहाँ पे कोई सेक्शन बनाऊंगा, अरे जल्दी हो जाए भाई, अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ पे सेक्शन में जो जाता हूँ, सेक्शन में मेरा डक्ट ऐसा है। ठीक है, मान लो फाइन मोड में अभी ये डक्ट है ना, मान लो इसको थोड़ा मैं टर्निंग करता हूँ, मतलब मान लो डक्ट मेरा थोड़ा स्लोप में है। ठीक है, अभी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी स्लोप में हो गया ना, अभी मैं 3D में जैसे जाऊँगा, मान लो मुझे क्लाइन बोला है ये डक्ट का आधा से मेरा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जितना भी मर्जी यहाँ पे कोई स्नैप पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे डायमेंशन दे नहीं सकते, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको यहाँ पे मॉडल लाइन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, मैं लाइन में जाऊंगा, लाइन में लाइटिंग में अंदर यहाँ पे ए लाइन है। ठीक है ना, मान लो इसका आधा पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ से मान लो यहाँ तक और इसका आधा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये मॉडल लाइन यहाँ पे है। ठीक है, अब मॉडल लाइन कहाँ पे देख रहा है सेक्शन में, यहाँ पे सिलेक्ट PBS तो ये देखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं खोल देता हूँ अभी। ओके, अभी यहाँ पे सिलेक्ट PBS फिर भी दिखने आएगी, फिर 3D में जाऊँगा, ये देखो लाइन है। ठीक है, इसको मैं धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके ना 3D में इसको थोड़ा ऊपर कर लूँगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे घुमाऊँगा, हाँ यहाँ पे मूव करने का टाइम आपको डिजॉइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिजॉइन ऑप्शन है, तब तक नहीं कर होगा वो जब तक डिजॉइन नहीं करूँगा। अभी मान लो यहाँ से, अरे यार डिजॉइन हो जाए भाई, नहीं तो ये अगर मान लो ए सिलेक्शन मोड में है और फिर अपने सेक्शन में जाना है। ठीक है ना, इस सेक्शन में यहाँ पे दो लाइन पड़ा हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं स्नैप पॉइंट, यहाँ पे मूव करना पड़ेगा मूव। अभी यहाँ पे डिसीजन तो रहेगा ही कंपलसरी, कांस्टेंट हटा दो। अभी जो मेरा लाइन है वो कहाँ पे है, अरे यहाँ मिड पॉइंट में है। ठीक है, इसको मूव करके मैं कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 3D में जाऊंगा, आपका लाइन जो है ना यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्लाइंट तो बोला है ना, मुझे क्लाइंट बोला है जो भी है वो तो बोला है ये डार्क का आधा से मेरा यहाँ हो सकता है यहाँ पे, तो मुझे डायमेंशन चाहिए कैसे भी। ठीक है, फिर डायमेंशन दूंगा DI करके, फिर ए वाला लाइन पकड़ूंगा, फिर ए वाले। ठीक है, वहाँ का चलेगा। अभी देखो फिर मुझे स्नैप ये सर्फेस जो पॉइंट है शिफ्ट हो गया, अब मुझे दोबारा यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, पी के प्लेन लेना पड़ेगा। अब मान लो ए वाली पॉइंट मैं ले लूँगा, फिर DI डायमेंशन दूंगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसका जो लाइन है ना ये थोड़ा नीचे आ गया, चाहे तो इसको ऊपर भी कर दो तो उसका तो पॉइंट तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसको सेक्शन में चला जाऊंगा, फिर अभी सेक्शन सिलेक्शन मोड में है, इसको फिर मूव करना पड़ेगा, मूव करके डिसीजन हटा दो, मान लो यहाँ से, फिर डायमेंशन गायब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो डिसीजन किया ना, डिसीजन के मीन्स उसकी हिसाब से जो जो डिफरेंस है ना वो सब चला जाएगा। ठीक है,
अब थ्री में जाऊंगा, फिर यहाँ पे जो डायमेंशन है ना, फिर दो का डी आई, फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से पता चल रहा है जो मेरा डक का यहाँ से एज पॉइंट का कितना डायमेंशन है, वो कितना है, समझ रहे ना। तो इस केस में ना डिटेल लाइन का कोई काम नहीं है। अगर मान लो आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखाना है, आपका डक जैसे काम कर रहा है, इस डक कोई स्लोप में है, कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ सकता है। मान लो डक स्ट्रेट भी है, फिर भी आपका मॉडल में कोई इशू की वजह से ना डक का जो स्नैप पॉइंट है ना वो पकड़ में नहीं आ रहा, उस केस में ना उस पॉइंट में आपको एक मॉडल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से आप एक लाइन बना दो तो उसको आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो ये हो गया छोटा सा एग्जांपल, लेकिन चीजें काफी बड़ा है और इसमें काफी इंफॉर्मेशन और भी है सिखाने के लिए, लेकिन मैं हमारे पास टाइम तो कम है, अभी वीडियो काफी लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा जो इसका आगे वाला टॉपिक दूसरा पार्ट में डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ से समझ में आएगा ना डिटेल लाइन और मॉडल लाइन का डिफरेंस क्या है, और इसमें काफी चीज बताया, जैसे कि इसका लाइन है, लाइन कलर है, लाइन कलर कैसे कॉमन कर सकता हूँ, और लाइन स्टाइल इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, उसको ऑन ऑफ कैसे करूंगा विजिबिलिटी से, ठीक है। इसके बहुत सारे अभी करना कुछ बाकी है, ठीक है, अभी चीजें बहुत लंबा है, अभी इसको दूसरे पार्ट में शिफ्ट करूंगा, तो अभी तक समझ आ गया ना। तो आज के लिए इतना सा ही है, ओके, बाय बाय।